नमस्कार, शहर शहर रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और अगले आधे घंटे में हमारे रिपोर्टर्स आपको दिखाएंगे आपके शहर की बड़ी खबरें। तो करते हैं शुरुआत। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दलित कार्ड खेला है। आज वाराणसी में अमित शाह ने एक दलित परिवार के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जमीन तैयार करने में जुट गई है। इलाहाबाद में रैली से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां के जोगियापुर गांव में उन्होंने एक दलित परिवार के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। पार्टी ने इस भोजन को समरसता भोज का नाम दिया है। अमित शाह के इस समरसता भोज को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन बीजेपी नेता इसे सही ठहरा रहे हैं। चुनाव है ना उत्तर प्रदेश में, अभी टीवी चैनल दिखा रही थी, दलित परिवार ओबीसी परिवार को दिखाए, सब देश के नागरिक हैं और इसीलिए मैंने कहा पाखंड है, नाटक है। समरसता को बल मिलेगा, हम इसलिए काम करते हैं, हम वोट के लिए और सियासत के लिए ही सब काम नहीं करते हम। इससे पहले सिंहस्थ महाकुंभ में अमित शाह ने दलित साधु संतों के साथ शिप्रा नदी में स्नान किया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर लंदन में बेनामी संपत्ति के आरोप पर सफाई दी है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार को जांच करानी चाहिए जिससे सारी बातें साफ हो जाएंगी। ये पहला मौका है जब सोनिया गांधी ने दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों पर सफाई दी है। संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा रॉबर्ट पर लगे आरोप साजिश का हिस्सा है। अगर ये भी एक षड्यंत्र है कांग्रेस मुक्त भारत का, मतलब क्या है? रोज कुछ न कुछ ये लोग बहाना बनाते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है तो बिना भेदभाव जांच करो, दूध का दूध पानी का पानी। आरोपों के मुताबिक हथियारों के सौदेबाज संजय भंडारी ने लंदन में रॉबर्ट वाड्रा को घर खरीद कर दिया। ये घर लंदन के 12 एल्टर्न हाउस ब्राइस्टन स्क्वायर में है। बताया जा रहा है कि वाड्रा को जो घर दिया गया है उसकी कीमत करीब 19 करोड़ रुपए है। संजय भंडारी के 18 ठिकानों पर पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की थी। इस दौरान संजय भंडारी के फोन से कुछ ईमेल मिले थे जिसमें रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी के सहयोगी मनोज अरोड़ा के बीच बातचीत का जिक्र है। संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर आई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा के बचाव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया। सोनिया ने मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर हो रहे जश्न पर भी सवाल उठाए। एक कार्यक्रम के दौरान जब सोनिया गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री है, कोई शहंशाह नहीं। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है, शहंशाह नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है। तो इस तरह की शो सेटअप करना मुझे लगता मुनासिब नहीं। सोनिया के हमले का बीजेपी ने भी जवाब दिया है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि देश तरक्की कर रहा है लेकिन कांग्रेस इसे देख नहीं पा रही। देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं, शहंशाह और शहजादे की मानसिकता ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये कांग्रेस की रहती है। उनके पिछले जो लोग हैं वही शहंशाह हैं, वो पचा नहीं पा रहे कि गरीब परिवार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया। पहले कांग्रेस पार्टी ने मोदी के झूठ और झूठे वायदों के 2 साल के नाम की 2 बुकलेटें भी जारी की थी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव के मैदान में उतरे हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा भवन में नामांकन दाखिल करते हुए डॉक्टर सुभाष चंद्रा के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता मौजूद रहे। बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा की उम्मीदवारी को समर्थन करने का भरोसा दिया है। हरियाणा विधानसभा की सभी दलों के मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का सबका बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि हमने सबसे समर्थन मांगा, सभी पार्टियों से समर्थन मांगा और लगभग काफ़ी लोगों ने हमें समर्थन दिया है। इंडिपेंडेंट लोगों ने भी दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया है, बाकी भी हम उम्मीद करते हैं कि हमको और दलों का भी समर्थन मिलेगा। हरियाणा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद 2 सीट खाली हो रही हैं। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव 11 जून को होना है, जबकि 3 जून तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं।
केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। बिजली पानी के संकट को लेकर आज बीजेपी ने अपना मोर्चा खोला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बिजली पानी के संकट को सुलझाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने सीएम के घर तक पहुंचने के लिए बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली बीजेपी ने मांग की कि मुफ्त में ना सही पैसे लेकर ही केजरीवाल सरकार लोगों को बिजली पानी मुहैया कराए। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में खस्ताहाल सड़कों का मुद्दा भी उठाया गया। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के कई इलाकों में 5 से 6 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान पार्टी के सभी बड़े नेता और मुख्यमंत्री हरीश सावत मौजूद रहे। सोमवार शाम तक पीडीएफ नेता दिनेश धने के रुख से कांग्रेस मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन पीडीएफ में एक मत नहीं होने से दिनेश धने को कदम खींचने पड़े। उधर कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप टम्टा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान प्रदीप टम्टा के साथ मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत उत्तराखंड कांग्रेस के कई दिग्गज मौजूद थे। राज्य के मुद्दों को जो हिमालय से संबंधित जुड़े हैं, उत्तराखंड से संबंधित मुद्दे हैं, उन मुद्दों को पूरी ईमानदारी के साथ राज्यसभा में उठाऊंगा। सम्मिलित नेतृत्व में सबने एकजुटता दिखाई और एकजुट होकर के नामांकन में भाग लिया। मैं पीडीएफ को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और दिनेश धनई जी को, जिनको पीडीएफ ने अपनी तरफ से अधिकृत किया था, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना। हालांकि बीजेपी ने अपने किसी बड़े दिग्गज को मैदान में नहीं उतारा, लेकिन पार्टी के दो नेताओं ने अपना नामांकन जरूर दाखिल किया, जिसमें पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल गोयल और महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्षा गीता ठाकुर शामिल हैं। लखनऊ में आज अखिलेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में एंट्री टैक्स लगाने का फैसला किया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स पर एंट्री टैक्स लगाने का फैसला किया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यूपी में अब ऑनलाइन शॉपिंग महंगी हो जाएगी। चुनावी साल में अखिलेश सरकार ने नई समाजवादी स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत बेरोजगार युवकों को अपना बिजनेस करने के लिए मदद की जाएगी। कैबिनेट ने वाराणसी में मेट्रो के डीपीआर को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि कैबिनेट की बैठक के बाद जब सीएम अखिलेश यादव से यूपी में शराबबंदी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे कुछ कहने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए। सीएम ने कहा कि शराबबंदी बड़ा मुद्दा है और इस पर सोच समझ कर भी फैसला किया जाएगा। यूपी के लिए विषय बड़ा है, इसलिए इसको विचार करने के लिए सोचना समझना पड़ेगा और हम तो चाहते हैं कोई भी शराब न पिए। उत्तर प्रदेश ने भी विषय रह करके हालांकि अब फैसला ले लिया है कि ऑनलाइन जो शॉपिंग होगी उसमें टैक्स देना पड़ेगा। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार विकासवादी छवि दिखाने के लिए तमाम सारे महत्वपूर्ण फैसले कर रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज अफ्रीकी छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सुषमा ने साफ कहा कि कांगो के छात्र की हत्या नस्लीय हमला नहीं था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अफ्रीकी छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। सुषमा स्वराज ने साथ ही उन्हें ये समझाने की कोशिश भी की कि कांगो के छात्र ओलिवर की हत्या बड़ा मामला है, लेकिन ये नस्लीय हमला नहीं है। कि घटना बहुत ही बड़ी है, इतना बड़ा हादसा है, लेकिन तो भी ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मामला नहीं है। विदेश मंत्री ने मुलाकात करने आए अफ्रीकी छात्रों से ये भी कहा कि ओलिवर की हत्या भारत के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि एक माँ होने के नाते वो ओलिवर के माता पिता का दर्द समझ सकती हैं। विदेश मंत्री के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि वारदात के वक्त जो भारतीय वहां मौजूद थे उन्होंने ओलिवर को बचाने की कोशिश की थी। गोवा के पर्यटन मंत्री दिलीप पारुलेकर के बयान के बाद विवाद शुरू हो गया है। दिलीप पारुलेकर ने कहा है कि अफ्रीकी नागरिक पूरे देश में समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। गोवा के मिनिस्टर पारुलेकर ने कहा कि देश में गड़बड़ी करने वाले विदेशी नागरिकों को वापस भेजने का कानून नहीं है, इसलिए अफ्रीकी नागरिक मनमानी करते हैं। दिलीप पारुलेकर के मुताबिक भारत में बने रहने के लिए अफ्रीकी नागरिक मुकदमेबाजी का सहारा लेते हैं। पारुलेकर ने कहा कि विदेशी नागरिकों की आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। कंट्रोवर्शियल इसमें नहीं जाता हूं, कंट्रीज के बारे में नहीं बोलता हूं, लेकिन जिसका या ब्लैक लिस्टेड जो लोग है उसको वापस भेजना मांगता है।
अफ्रीकी नागरिकों पर दिल्ली पारुलेकर के बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी टिप्पणी की है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अफ्रीकी देशों के साथ हमारे मुल्क के रिश्ते बेहद अच्छे हैं, ऐसे में अफ्रीकी देशों से जुड़े लोगों पर सोच समझ कर बयान देना चाहिए। बिहार में तो मंगल राज है, लेकिन दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जंगल राज है। धारणा बनाना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। हमारा अफ्रीकन कंट्री के साथ बहुत अच्छे संबंध है। देश में अफ्रीकी मूल के नागरिकों पर हो रहे हमलों को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी चिंता जता चुके हैं। हालांकि कुछ मामलों में अफ्रीकी मूल के नागरिक भी दोषी पाए गए हैं। सरकार के 2 साल पूरे होने पर मोदी सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने निकली है, लेकिन 1 जून से आपकी जेब ढीली होने वाली है। 1 जून से आपकी 2 जून की रोटी महंगी होने वाली है। दरअसल 1 जून से आपका सर्विस टैक्स 0.5% बढ़ने जा रहा है। पहले आप हर तरह की सेवाओं पर 14.5% सर्विस टैक्स देते थे, लेकिन 1 जून से बढ़कर 15% हो जाएगा। असल में 0.5% टैक्स कुछ और नहीं बल्कि कृषि कल्याण सेस है। आपको याद होगा कि बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि और किसानों से जुड़ी योजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने का ऐलान किया था। इसी फंड के लिए सरकार ने 0.5% कृषि सेस लगाने का ऐलान किया था। यही सेस 1 जून से लागू हो रहा है और आपकी जेब ढीली होने जा रही है। 1 जून से 0.5% सर्विस टैक्स बढ़ने से कई सुविधाएं महंगी होने वाली हैं। ऐसे में आपकी जेब पर अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। आम आदमी पर महंगाई की मार दोगुनी होने वाली है। 1 जून से सर्विस टैक्स बढ़कर 15% हो जाएगा। सर्विस टैक्स बढ़ने से मोबाइल बिजली के बिल, केबल और डीटीएच के बिल, शादी ब्याह का बजट बढ़ेगा। इसी तरह फिल्म देखना, इंश्योरेंस, बैंकिंग सर्विस, घूमना, होटल्स और पार्लर सर्विस भी महंगी हो जाएंगी। रेल हवाई टिकट पर भी ज्यादा पैसा देना होगा। एसी क्लास के रेल टिकटों पर 1 जून से 5 से 25 रुपए तक ज्यादा लगेंगे। जिन्होंने पहले से बुकिंग की है उनसे टीटी एक्स्ट्रा चार्ज वसूल करेंगे। इसी तरह ग्राहक बैंकों में कोई सेविंग या करंट अकाउंट खोलने के 1 साल के भीतर बंद करता है तो उसे 200 रुपए से लेकर 800 रुपए फीस देनी पड़ेगी। SMS अलर्ट सुविधा पर पहले 15 रुपए लगते थे, लेकिन अब 16 रुपए लगेंगे। SBI अब चेक बाउंस होने या वापस होने की दशा में 350 से 1,550 रुपए तक पेनल्टी वसूल करेगा। लॉकर के पहले 1,000 रुपए लगते थे, जो अब बढ़कर 1,250 रुपए हो जाएंगे। SBI में सेविंग और करंट अकाउंट होल्डर्स 50,000 रुपए से ज्यादा जमा करते हैं तो 30 रुपए फीस लगेगी। 1 महीने में 3 से ज्यादा लेन देन पर 44 रुपए प्रति लेन देन लगेगा। अभी तक बैंकों में 1,00,000 रुपए तक की नकदी बिना किसी चार्ज के जमा की जा सकती थी, लेकिन अब आने वाले दिनों में 1,00,000 तक की नकदी जमा करने पर भी चार्ज लगेगा। 1 जून की पहली तारीख न सिर्फ आम इस्तेमाल की चीजों को महंगा करने वाली है, बल्कि उनकी जेब भी ढीली करने वाली है जो लग्जरी की लाइफ जीने के शौकीन हैं। 1 जून से 10,00,000 से ज्यादा की कार पर 1% लग्जरी टैक्स लगेगा, यानी 10,00,000 की कार अब 10,000 रुपए महंगी हो जाएगी। यही नहीं, कैश खरीद पर 1% TDS भी लगेगा। इससे पहले पेट्रोल, LPG, CNG कारों पर 1% तय मॉडल की डीजल कारों पर 2.5% और ज्यादा क्षमता वाले वाहनों, SUV और बड़ी सेडान पर 4% इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने की घोषणा की गई थी। इससे सरकार को 3,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। हालांकि थोड़ी सी राहत की खबर ये है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक पर 30 रुपए का सर्विस चार्ज अब नहीं लगेगा और अब 50,000 रुपए तक का PF निकालने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले सीमा 35,000 रुपए थी। कल से यदि आप प्रोविडेंट फंड से 50,000 रुपए की राशि निकालते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं भरना होगा। पहले ये लिमिट सिर्फ 30,000 रुपए की थी। साफ है कि 1 जून से हर आम और खास की जिंदगी महंगी होने वाली है, तो कुछ चीजों पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। एडमिरल सुनील लांबा ने आज भारतीय नौसेना की कमान संभाली। लांबा नौसेना के प्रमुख बनने वाले 21वें भारतीय हैं। एडमिरल R.K. धोवन के रिटायर होने के बाद एडमिरल सुनील लांबा ने नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला। देश की समुद्री सीमा की सुरक्षा और मजबूत करने का दावा किया। पिछले 2 सालों में भारतीय नौसेना एक शक्तिशाली मल्टी डायमेंशनल नेटवर्क फोर्स के रूप में उभरी है, जो कि हिंद महासागर में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है, तैयार है।
सुनील लांबा 31 मई 2019 तक नौसेना प्रमुख बने रहेंगे। सुनील लांबा को इसी साल फरवरी में नौसेना की पश्चिमी कमान का प्रमुख बनाया गया था। इससे पहले सुनील लांबा नौसेना की दक्षिणी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। 1 जून 2014 से मई 2015 तक नेवी के वाइस चीफ रहे लांबा को डायरेक्शन और नेविगेशन का एक्सपर्ट माना जाता है। महाराष्ट्र के वर्धा में सेंट्रल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। इस हादसे में आर्मी के 2 ऑफिसर और 20 जवानों की मौत हो गई है और कई लोग जख्मी हो गए हैं। आग बीती रात करीब 2 बजे लगी थी, जिसके बाद ऑर्डिनेंस डिपो के आसपास के 4 गांव को खाली करा दिया गया है। आग पर काबू पाने के साथ करीब 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेवाग्राम और संवागी के डॉक्टर्स को अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्धा पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर और सेनाध्यक्ष दलवीर सिंह सुहाग भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। राहत कार्यों में तेजी लाई गई है। आपको बता दें कि पुलगांव का सेंट्रल एम्युनिशन डिपो देश का सबसे बड़ा गोला बारूद और हथियार डिपो में से एक है। बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान जान और माल का वहां पर हुआ है। स्वयं फोर्सेस उसमें मदद कर रहे हैं, पूरी सिचुएशन उन्होंने कंट्रोल में ली है। राज्य शासन की ओर से हमने जिलाधीश को ये कहा है कि वो स्वयं उसमें ध्यान दे। देश के इस सबसे बड़ी गोला बारूद डिपो में आखिरकार आग कैसे लगी, इसकी जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में दूषित दूध पीने से 10 बच्चों के बीमार पड़ने का मामला सामने आया है। वहीं बीजापुर में दूध पीने से 2 बच्चे की मौत हो गई है। मामला नवागढ़ विकास खंड के बर्रा गांव का है, जहां कल दोपहर आंगनबाड़ी केंद्र में देवभोग ब्रांड का दूध पीने के बाद करीब 10 बच्चों को उल्टियां होने के साथ चक्कर आने लगे। इनमें से 5 बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब होने पर नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्चों की तबीयत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आंगनबाड़ी में दूध पीने से बच्चों की मौत के मामले में सीएम रमन सिंह ने बैठक की है। बैठक के बाद सीएम ने महिला एवं बाल विकास मंत्री रामशीला साहू और स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं। मामले में बड़ा सवाल ये है कि सरकारी संस्थानों में खाना खाने से बार बार बच्चों का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ रहा है। साथ ही प्रशासन को इस मामले में संजीदगी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि मामला मासूम बच्चों के हेल्थ से जुड़ा है।